हे बिड़ू हे बिड़ू, अरे सुन ले। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, आप बताओ क्या हुआ? यार बाल बहुत झड़ रहे हैं बिड़ू। किस हेयर वॉश करते हो? यार बिड़ू जो मिल जाता है उसी से धो लेता है बिड़ू। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तभी तो आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको एक केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करना है। कम से कम आप अपने बालों में गलत चीज़ें तो नहीं लगाओगे? वो कहाँ मिलेगा? पानी पूरी की दुकान पे। रुको रुको रुको, लो ये देख लो, यहाँ सब कुछ मिलेगा। यार ससुरा इसमें तो एक ही आग दिख रहा है बे। चश्मा तो उतार लो। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। ठीक है जाओ वीडियो देखने दो। ठीक है। अरे ये तो बता दे इसको खरीदेगा कैसे? पूरी वीडियो देख लो, सब पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज मैं एक शैम्पू का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है वाओ रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। कितना बड़ा नाम है, दो तीन टेक तो ये लग गए याद करने में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। तो हम टोटल 8 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 है इसकी पैकेजिंग। अगर हम इसकी पैकेजिंग के ऊपर बात करें तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम लगती है जब आप इसको हाथ में पकड़ते हो। और इसके साथ एक चीज़ आती है जिससे आपका शैम्पू वेस्ट नहीं होता। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी। तो पॉइंट नंबर 2 है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं डाले गए हैं जैसा कंपनी क्लेम करती है। जैसे ना तो इसमें कोई पैराबिन्स है, ना सल्फेट है, ना सिलिकन है, और आप पूरी लिस्ट देख सकते हो हार्श केमिकल्स की। एंड सेकंड, इसमें जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो है रेड अनियन, ब्लैक सीड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हो। पूरी वीडियो तो देख लो। तो थर्ड पॉइंट आता है इसकी स्मेल एंड इसका टेक्सचर। अगर हम इसकी स्मेल की बात करें तो इसकी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है जैसे और शैम्पूज में आती है। इसकी स्मेल सच में अच्छी है, आप इसकी स्मेल को ज़रूर लाइक करोगे। और सेकंड, अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो ये थिक टेक्सचर के साथ आता है और ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, जिसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर एडेड नहीं किया गया, जो कि एक अच्छी बात है। इधर हो, ये ससुरा वीडियो तो सही बढ़ा रहा है। ठोको ठोको ठोको, लाइक ठोको और वो का कहवे सब्सक्राइब, वो भी कर दो। पॉइंट नंबर 4 आता है कि कंपनी क्या क्लेम करती है इस प्रोडक्ट को लेकर। तो इस प्रोडक्ट के फ्रंट पे लिखा है कि ये आपके हेयर्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, आपके हेयर्स को सॉफ्टन करता है एंड आपके हेयर्स की शाइन को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। तो ये था कंपनी क्या क्लेम करती है। अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो हाँ, ये आपके हेयर्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड कराता है, आपके हेयर्स को सॉफ्ट भी करता है एंड आपके हेयर्स की शाइन को भी रिस्टोर करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑयल्स का यूज़ किया गया है। पॉइंट नंबर 5 है, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो एक तो ये पीएच बैलेंस्ड है, मतलब आपके हेयर्स एंड आपकी स्कैल्प के पीएच से मैच करता है, जिससे मुझे कोई इचीनेस नहीं हुई और जो मेरा नॉर्मल हेयर लॉस होता था वो भी कंट्रोल हुआ है इसको यूज़ करने के बाद। और इससे मेरी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक हुई है एंड मेरी सिस्टर को भी काफ़ी पहले हेयर फॉल होता था, लेकिन जब से उसने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड ऑल्सो मेरी मम्मी को ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। पहले मम्मी वो केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ करती थी, लेकिन जब से मम्मी ने प्रोडक्ट यूज़ किया है उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्प हुई है। पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ पर कंपनी ने साफ साफ क्लियर किया है कि आपको फर्स्ट यूज़ से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करना है
क्योंकि इसमें नेचर बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन सबको ये नहीं करते। जैसे मुझे इसे यूज़ करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पॉइंट नंबर 7 है, इस प्रोडक्ट को आपको यूज़ कैसे करना है। अगर आपको इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो आपको एक रात पहले अच्छे से ऑयलिंग करनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको अपनी हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेकर थोड़ी देर हल्के हाथों से मसाज करनी है 2 से 3 मिनट तक, और फिर उसके बाद आपको अपने हेयर्स नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करनी है। लास्ट पॉइंट आता है इसकी प्राइसिंग और इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी। अगर हम इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको ऑनलाइन 350 से 400 के बीच में मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि आप इसको किस टाइम बाय कर रहे हो। एंड सेकंड, अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये बोतल आपको 300 ml की मिल जाएगी, मतलब ये आपकी आराम से 2 से 3 महीना चल जाएगी अगर आप इसको सिंगल यूज़ करते हो तो। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो देन लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। यार ससुरा ने बताया तो ठीक था पर पूरा भी पता कि नहीं गया। साइड में वीडियो उसको देख लो।